श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आप सभी को अग्रिम पर्व महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मैंने एक सूची शेयर करी थी पूजन सामग्री की, जो कि आपको महाशिवरात्रि पर आवश्यकता पड़ने वाली है, और इतनी जल्दी इसीलिए लिस्ट शेयर कर दी आपसे 8-10 दिन पहले कि आप लोग व्यवस्था कर सके। परंतु कुछ कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे कि दीदी एक बार आप सामग्री दिखा देंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उसे कलेक्ट करना। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में एक एक चीज शेयर कर दी जाए, जिससे कि भक्तों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो महादेव के पूजन अर्चन में। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा तांबे के लोटे में जल दिख रहा होगा, ठीक है। जब भी आप मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर और घर में कौन कौन सी सामग्री आपको जरूरी है, दोनों ही चीजें आप लोगों को बता रही हूं, और घर में बहुत कम सामग्री आपको चाहिए और जो आप मंदिर जाएंगे उसकी पूरी सामग्री बता रही हूं, तो इसी सामग्री से घर में पूजा होगी, और यदि मंदिर जा रहे हो तो इस सामग्री को कैसे लेके जाओगे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो आपको ये तांबे के लोटे में जो जल दिख रहा है, जल हमें घर से ही लेकर जाना है, ये गलती नहीं कर रही मंदिर से जल ले रहा है, क्योंकि घर में जो जल होता है हमारे, जो मटके में जल होता है, उससे पितरों का और वास्तु का दोनों का आपको वास मिलता है, तो उससे आपके पितर भी तृप्त रहते हैं और आपके घर में कभी वास्तु दोष भी नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा घर से जल लेकर जाएं। तो जल में सबसे पहले मैंने तांबे के लोटे में गंगा जल डाला, उसके बाद जल भरा, तो ये गंगा जल समान ही पवित्र जल कहलाता है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी मंदिर जाते हैं कुछ लोग केतली में भी एक्स्ट्रा जल लेकर जाते हैं, क्योंकि जब हम महादेव का अभिषेक करते हैं उसके बाद पूरा उसे स्वच्छ करने के बाद हमें पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। तो ये गलती ना करें कि दूध दही चढ़ा हुआ और इस पर हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी गलती भूल से भी मत करिएगा। तो जल ले गए हम, इसके पश्चात मंदिर में भीड़ होती है, तो एक चीज आप लोगों को से कहना चाहूंगी कि सुबह हो सके तो जल्दी मंदिर होकर आ जाइएगा, ताकि आप तसल्ली से पूजा कर पाओ। इसके पश्चात हमें जो अभिषेक की सामग्री चाहिए, घर पे अभिषेक कर रहे हो तो भी यही लगेगा, यदि मंदिर जाके अभिषेक कर रहे हो तो भी आप इस तरह से ले जा सकते हो। कैसे लेके जाओगे ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पर हमने दूध लिया है, ठीक है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 मुख्य चीजें होती है जिससे हम महादेव का अभिषेक करते हैं। और जहां पर जो दूध लिया है वो मैंने गाय का कच्चा दूध ले लिया है। आपके पास गाय का दूध नहीं हो तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, परंतु पैकेट वाला दूध अवॉइड करना चाहिए, और यदि कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर आखिरी अवस्था में आप पैकेट वाला दूध लीजिए, ठीक है। तो ये दूध लिया है, यहां पर मैंने ये चांदी का पात्र है, तांबे के पात्र में दूध मत रखिएगा। इसके बाद दही, शक्कर, घी और ये शहद, ये 5 चीजें हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अभिषेक करते हो, आपने दूध चढ़ाया, उसके पश्चात आपको जल अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए, उसके बाद दही चढ़ाया, उसके बाद वापस जल से अभिषेक करें। मतलब किसी भी सामग्री को चढ़ाने के बाद जल वापस चढ़ाया जाता है, एक के बाद एक सामग्री नहीं चढ़ाई जाती, ठीक है। तो ये 5 सामग्री आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। अब इसके पश्चात ये जो आपको कटोरी में दिख रहा है, ये हमने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के पंचामृत तैयार करा हुआ है, ये वो है, ठीक है। ये अभी मैंने मिक्स नहीं करा है ना, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, इसे चम्मच से मैं मिक्स कर दूंगी तो पूरा एक जैसा दिखेगा। इसके बाद में जो अन्य मुख्य अभिषेक होते हैं, जो भगवान का चंदन से अभिषेक किया जाता है, ठीक है, और शिवरात्रि का पर्व है तो हल्दी भी चढ़ाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, आज यदि आप देखोगे महाकाल का पेज अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि शिवरात्रि एकमात्र ऐसा त्यौहार होता है जिसमें महादेव को हल्दी अर्पित की जाती है, क्योंकि उनके विवाह का अवसर होता है। तो शिवरात्रि के दिन आप हल्दी, मेहंदी वगैरह जो भी सौंदर्य प्रसादन होते हैं वह शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो, क्योंकि यह अवसर महादेव के विवाह का होता है। तो यहाँ पर हमने चंदन ले लिया, चंदन से हम अभिषेक करेंगे। यहाँ हमने भांग रख लिया, ठीक है, भांग से भी महादेव का अभिषेक किया जाता है। तो मैं तो हमेशा करती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख लिया, क्योंकि मैं अपनी पूजन सामग्री आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 16 सोमवार व्रत किए थे तो पंडित जी आकर इसी तरह से इन्हीं चीजों से अभिषेक कराते थे, तो इसीलिए मैंने भांग भी इस बार रख लिया। पहले मैंने भांग नहीं रखी थी, परंतु चंदन अभिषेक होता है और हल्दी से भी अभिषेक आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गन्ने का रस है। गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, तो गन्ने का रस जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद जो शीशी देख रहे हो आपकी, इत्र की शीशी है। इत्र स्नान करवाया जाता है, भगवान को सुगंधित स्नान करवाया जाता है। उसके पश्चात सबसे आखिरी में जब सारा स्नान हो जाता है, आप जल से स्वच्छ कर देते हैं भगवान को, उसके पश्चात थोड़ा सा गंगा जल अर्पित किया जाता है। और गंगा जल के बाद हमें कोई जल अर्पित नहीं करना पड़ता, क्योंकि गंगा जल अपने आप में ही एकमात्र स्वच्छ पदार्थ होता है, तो इसीलिए गंगा जल के बाद आप कोई जल अर्पित नहीं करेंगे। ये सारी जो सामग्री है अभिषेक की ही सामग्री है, ठीक है। ये भांग है और ये अष्टगन चंदन है, ठीक है, यानी पीला चंदन, अष्टगन चंदन, आप कुछ भी ले सकते हो। और आप सब मुझसे हमेशा बार बार पूछते हो, दीदी कौन सा चंदन हम चढ़ाएं और अष्टगन चंदन क्या होता है, तो ये आता है काशी अष्टगन चंदन टीका, इस पे शिव जी बने होते हैं, और ये आपको हर शॉप पे मिल जाएगा, किराने की दुकान पे भी आपको आराम से मिल जाता है। और ये अंदर से इस तरह का होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पीला चंदन है ना, यही चंदन मैं भगवान को अर्पित करती हूँ। मेरे पास बहुत तरह तरह के आपको चंदन मिल जाएंगे, परंतु इसका तो मैं ओंकारेश्वर से 1 किलो का डब्बा ला के रखती हूँ, और यही मैं अक्सर चढ़ाना पसंद करती हूँ। ये देखिए, ये जो ये चंदन है ना, ये वाला ही चंदन है काशी अष्टगन। तो इस तरह का चंदन से मैं भगवान का अभिषेक करती ही करती हूँ। अब इसके बाद जो पूजन सामग्री आपको चाहिए होती है वो ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ये जितनी भी पूजन सामग्री रखी है ये सारी हमें चाहिए होती है, और यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होइए, जो मिल रहा है उससे पूजा करिए। यहाँ पे मैंने काले तिल रखे हैं, ठीक है, ये कब चढ़ाने वो भी बताऊंगी। जब हम भगवान का अभिषेक कर देते हैं ना, पूरा हमने सारी चीजों से अभिषेक कर दिया भगवान का, उसके पश्चात हम चढ़ाते हैं जनेऊ, ठीक है। ये मैंने गणेश जी, कार्तिकेय जी और सभी के लिए मैंने जनेऊ यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। इसके पश्चात कलावा, वस्त्र स्वरूप हम अर्पित करते हैं।
दक्षिणा हमने यहाँ पर रख ली है, ठीक है। अब जो चीजें मुख्य तौर पर अर्पित की जाती है, क्योंकि शिवजी के विवाह का अवसर है तो बहुत सोचना समझना आपको नहीं होगा कि क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। ये अबीर है, ठीक है, सॉरी ये गुलाल है, मैंने गलती से अबीर बोल दिया, क्योंकि अबीर ये है, ठीक है। ये जो आपको सफेद रंग का पाउडर जैसा दिख रहा है ना, कुछ लोग अबीर पूछते हैं मुझसे क्या होता है, ये अबीर होता है और ये गुलाल है, ये गुलाबी रंग का आपको दिख रहा होगा, ये गुलाल है। इसके बाद ये अगेन मैंने कटोरी में रखा हुआ है चंदन, ये वही अष्टगन चंदन है जिससे हम तिलक करते हैं। यहाँ पर मैंने सफेद चंदन रख लिया, डले वाला चंदन है मेरे पास, लकड़ी वाला आपके पास हो तो वो भी यूज कर सकते हो, पाउडर वाला चंदन भी आता है। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ये दाने हैं, ये नागकेशर कहलाता है, नागकेशर, ठीक है। इसमें भांग मिक्स है, इसके अंदर शिवलिंगी मिक्स है, तीनों मिक्स है। और भांग, ये जो हरी हरी दिख रही है आपको, ये भांग है, ठीक है, तो ये मैंने रख लिया है। इसके बाद में कमल गट्टे, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल गट्टे रखे जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक बत्ती रख रखी थी तो इसे मैं हटा रही हूँ। तो ये मैंने कम से कम 6 कमल गट्टे यहाँ पे रखे हैं, आप 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जितने चढ़ाने हैं। इसके बाद में जो दिख रहा है ना आपको, ये भस्म है, भस्म से भी महादेव का जो होता है ना अभिषेक, वो आप भस्म से भी कर सकते हो। जैसे आपने दूध दही घी शक्कर शहद चढ़ाया, इसके बाद भस्म से भी अभिषेक किया जाता है भगवान का, तो ये आपके ऊपर है, देखो आप जिन चीज़ों से करना चाहो। इसके बाद साबुत अक्षत हमने रख ली है। अब विवाह का अवसर है और मेहंदी ना हो ये तो संभव ही नहीं है, यहाँ पर हमने मेहंदी भी रख ली है। ये हल्दी है, ये पीला वाला सिंदूर है जो हम माँ गोरा को विवाह के अवसर पर लगाते हैं, और गणेश जी को भी यही वाला सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने रूली रख ली है, तो आज विवाह का अवसर है तो आप सब कुछ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसके बाद में किसी भी पूजा में इत्र ना हो तो वो पूजा संपन्न नहीं होती, तो हमने इत्र भी रख लिया है और हमने यहाँ पर माचिस जरूर रख लिया है, क्योंकि घर में आप मंदिर में कहीं पर भी जा रहे हो ना तो आपको सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है। अब एक चीज बताऊं, इस सामग्री को आप लेकर कैसे जाओगे मंदिर, वो भी समझिएगा। देखिए इस तरह से आपको मार्केट में ये मिल जाती हैं, छोटी छोटी डिब्बी आती हैं, इस तरह से आप खंड वाली डिब्बी होती है, इसमें जैसे मैंने सामान रखा हुआ है, जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, कई बार बड़ी पूजा होती है तो मैं यही लेकर जाती हूँ, तो इसके अंदर सारी सामग्री मैं भर के रखती हूँ। तो आप इसी तरह से किसी डब्बे में सामग्री को रखकर लेकर जा सकते हो मंदिर, क्योंकि इतनी सारी थालियाँ तो लगा के ले जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो थाली में थोड़ा 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 सामान रख के ले जा सकते हैं, नहीं है तो ये जो मैंने आपको बताया, इस डब्बे में भी आप सामान भरकर लेकर जा सकते हो। और देखिए माता के विवाह का अवसर है तो यहाँ पर हम उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे, यहाँ पे आलता, मेहंदी, चुनरी, यहाँ पे वस्त्र स्वरूप मैंने ब्लाउज पीस रख दिया है, ये मंगलसूत्र मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने लाल चूड़ी, माता के जो भी श्रृंगार का सामान है, आईना जरूर रखिएगा यदि आपको मिल जाता है, यहाँ पे मुझे छोटा सा आईना मिल गया था तो यहाँ पे मैंने आईना भी रख लिया है। इसके बाद में ये जो भी सामग्री आपको यहाँ पे, लिपस्टिक, नेल पेंट, जो आपका देखिए जैसा बजट हो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि अपने बजट से बाहर जाके काम करिए, परंतु 5 चीज़ विशेष तौर पे आपको चढ़ानी चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया, चूड़ी और बिंदी, ये 5 चीज़ें आपको जरूर चढ़ानी चाहिए, हर सुहागन महिला की प्रिय वस्तुएं होती हैं। यहाँ पे मैंने बिछिया वगैरह सब कुछ रख लिया है, और यदि ये सारी चीज़ें आपके लिए चढ़ाना संभव नहीं है तो केवल एक सिंदूर की डब्बी लेकर भी माता को आप अर्पित कर सकते हो, माँ उसमें भी प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी सुहाग की सामग्री है, मेरे पास सारी सामग्री उपलब्ध थी तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रख लिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जितना देखिए बजट हो उतना ही कार्य करें, भगवान सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव देखते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि दीदी ये तो मिली नहीं रहा, अब हम पूजा कैसे करेंगे, जो उपलब्ध हो जाए उससे पूजन करिए, ठीक है। अब इस सामग्री को यदि आप मंदिर लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो मंदिर चुनरी जैसे है आपके पास तो माता को पहना दीजिए, मंगलसूत्र पहना दीजिए, चूड़ियां पहना दीजिए, आप पहना सकते हैं, और नहीं पहना सकते तो छुआ के वहां पर आप साइड में रख सकते हैं, इसे पन्नी में डाल के आप ले जाइए, क्योंकि इतनी सारी सामग्री को थैली में रख के ले जाना संभव है, परंतु हाथ में लेके जाना या थाली में अगर आप रख के लेके जाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ी थाली आपको तैयार करनी होती है। इसके पश्चात जो फूल मुझे उपलब्ध हो पाए, ठीक है, ये मैंने दूरवा रख ली थी, थोड़ी सी मुझे दूरवा मिल गई थी तो मैंने गणेश जी के लिए रख ली। ये फूल जो है ये नीले रंग के फूल आते हैं, ये अभी तो मेरे मुरझा गए हैं क्योंकि मैंने सुबह तोड़े थे और थोड़ा टाइम हो गया। यहाँ पे जो आप कटोरी में देख रहे हो ना, ये है शमी पत्र, ठीक है, जो छोटे छोटे ये शमी पत्र दिख रहे होंगे आपको, मैंने इसीलिए कटोरी में रख लिया कि मिक्स ना हो जाए, शमी पत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। ये होते हैं नीले आंकड़े के फूल, ये आपको रखने हैं। ये होते हैं सफ़ेद अकाव, जिसे हम सफ़ेद आंकड़ा बोलते हैं, दोनों ही आंकड़े भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर गुलाब के फूल रख लिए मैंने, यहाँ पर है मेरे पास धतूरा, धतूरे के फूल मुझे नहीं मिले थे, बेलपत्र इस मौसम में बहुत अच्छी आ नहीं रही है क्योंकि कीड़े की खाई हुई बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बेलपत्र मुझे थोड़ी सी मिल पाई थी। यहाँ पर मैंने रख ली है अकाओ के पत्ते धोकर, ठीक है, और ये जो है धतूरे का फल है, ये लाल रंग के जो गुड़हल के पुष्प हैं ये वो हैं, ये हम माता को चढ़ाएंगे, शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं और ये गणेश जी को भी चढ़ाए जाते हैं। इसके पश्चात जो आप पन्नी में देख रहे हैं ये है सफ़ेद रंग के पुष्प, जिससे हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, ठीक है, भगवान के श्रृंगार के लिए। और यहाँ पे जो गुलाब के फूल देख रहे हैं वो भी फ्रेश फूल थे, वो अभी मैंने पन्नी में इसीलिए रखे कि मुरझा ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी फूल फल मिल जाए भगवान को चढ़ाने के लिए वो आप इकट्ठे कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिल पा रहा है तो काऊ के फूल भी चढ़ा सकते हैं, जो मिल जाए आपको आसानी से। कमल का फूल मुझे नहीं मिल पाया तो यहाँ पे मैंने कमल का फूल नहीं रखा है, नहीं तो मैं हर साल कमल का फूल भी चढ़ाती हूँ, और शायद मेन शिवरात्रि वाले दिन यदि मुझे मिल जाता है तो मैं शिवरात्रि के पूजन मैं कैसे करती हूँ वो तो आपके साथ शेयर करूंगी, साथ में आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूंगी कि शिवरात्रि के दिन मैं क्या क्या कार्य करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी सामग्री जो मैं चढ़ाती हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो मुझे आसानी से मिल जाए, बहुत ज़्यादा परेशान मैं भी नहीं होती, क्योंकि देखिए परेशान होने से तो कोई अर्थ है नहीं, भगवान सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव देखते हैं, तो जो हो पाए उससे
करने की कोशिश जरूर करें। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं तो हम कोई प्रयास ही ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फूल फल रख लिए। अब यहाँ पर जो हमने सामग्री रखी है वो है फल जो हम भगवान को भोग लगाएंगे। ये मैंने केले, बेर, आंवले और मेरे पास सेब थे तो मैंने वो रख लिए, यानी कि एप्पल रख लिए हैं। और यहाँ पर पान के पत्ते रख लिए मुख शुद्धि के लिए, जिसपे हम लौंग और इलायची का जोड़ा रख के भगवान को मुख शुद्धि के लिए भोग लगाने के बाद अर्पित करते हैं। यहाँ पर मुझे पंचमेवा में मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था तो मैंने सिर्फ काजू और बादाम ही रखे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ उपलब्ध नहीं था ऐसा। तो जो मैंने बताया आपको, जो उपलब्ध हो जाए उससे पूजन करती हूँ मैं। इसके बाद भगवान के लिए मैं खीर नहीं तैयार कर पाई थी तो मैंने सफ़ेद और पीली पेड़े यानी मिठाई मंगवा ली है भगवान के लिए। ठीक है, और हो सके तो आज के दिन आप खीर भी बना सकते हैं, खीर साबुत अक्षत की बना सकते हैं। मखाने की खीर भगवान को बहुत प्रिय होती है, आप वो मंगवा सकते हैं। यहाँ ये जो मैंने दो बर्तन रखे हैं, भगवान को इसमें रख के पेड़े भोग लगाऊंगी और ये जल भरकर भगवान को आपको भोग लगाना होता है यदि हम घर में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर जाकर इतनी सारी चीज़ें ले जाना संभव नहीं होता। तो ये सामग्री को आप एक थैला बना लीजिएगा, उसमें फूल, माता के श्रृंगार की सामग्री, उसको आप थैले में रखकर ले जाइएगा और जो मुख्य सामग्री है वो आप प्लेट में रखकर ले जा सकते हैं। नारियल बाद में अर्पित किया जाता है दक्षिणा रख के, तो यहाँ पर मैंने नारियल एक रख लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी घर में भी हमें यही चीज़ें प्रयोग आती हैं और बाहर भी हमें यही चीज़ें प्रयोग आती है जब हम मंदिर जाते हैं। तो मंदिर तो मैं अक्सर आपको यही बोलूंगी कि आप मंदिर सुबह सुबह जल्दी होकर आते हैं। एक मुख्य चीज़, यदि आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हो तो कपूर जरूर रख कर ले जाइएगा। यहाँ कपूर मैंने एक्स्ट्रा रखा है कि हवन में भी मुझे यूज़ होगा। और घर पे पूजा कर रहे हो तो फिर आपको दो दीपक की जरूरत पड़ेगी, एक अखंड दीपक जलाने के लिए और एक आरती के लिए। और मंदिर जा रहे हो तो केवल एक दीपक ले जाइएगा और कपूर आरती के लिए रखकर लेके जाइएगा। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती नहीं रखी थी तो धूप बत्ती मुझे मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, तो धूप बत्ती यहाँ पर अभी मैंने नहीं रखी थी तो धूप बत्ती मुझे इसमें रखनी है। तो आप चाहें तो धूप बत्ती यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो कपूर और घी के दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। इसके पश्चात ध्यान से देखिए, यदि आप घर पे पूजन कर रहे हो तो यहाँ पर हमने चौकी ली, चौकी के ऊपर ही मैंने सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लिया था। ठीक है, ये मेरा धुला हुआ वस्त्र है, साफ सुथरा है, इसके ऊपर मैंने एक पीला वस्त्र बिछा लिया। आप चाहें तो पीला या सफ़ेद कोई सा भी एक बिछा सकते हो। पहले जहाँ पर भी आप पूजा करोगे उसे गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिएगा और हल्दी से स्वास्तिक बना के, हल्दी और आटे को मिला के स्वास्तिक बनाया जाता है, यानी चौक पूर्णा उसे कहा जाता है। एक रंगोली वगैरह यहाँ पर डाल के उसके ऊपर हम पाटा देखिए ये लकड़ी का होता है तो लकड़ी का पाटा आपको रख लेना है। ठीक है, बिना सनमाइका लगा हुआ, और उसके ऊपर हम वस्त्र बिछा लेंगे। वस्त्र के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो शिव परिवार मेरे पास है तो मैंने शिव परिवार की यहाँ पर मूर्ति रख ली है। आपके पास फोटो हो तो फोटो भी रख सकते हो। यहाँ पर ये जो शिवलिंग है ये मैंने स्थापित कर लिया। सभी मुझसे पूछने दीदी शिवलिंग आपने कहाँ से लिए, ये मैंने लिए थे ओंकारेश्वर से, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। जो अर्घी मैंने बनवाई है ये है चांदी की। तो आपके घर में यदि रखना चाहते हैं तो सर्वोत्तम शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग ही माने जाते हैं। आपको किसी भी ज्योतिर्लिंग से आपको ये मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, परंतु थोड़ा सा ध्यान देकर ये नर्मदेश्वर शिवलिंग ही हो। ये जो मेरे हैं ये नर्मदेश्वर शिवलिंग ही है। ठीक है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और ये जो मैंने लिया है ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाता है, ये अभिषेक पात्र होता है। और ये तो मैंने इंदौर के लोकल मार्केट से लिया था, परंतु आप इसे अमेजोन पे से भी देखकर ले सकते हो। इसके पश्चात जब हम घर में पूजन करते हैं तो हमें कलश स्थापना करनी होती है। तो कलश स्थापना के लिए दोबारा से हमें तांबे का लोटा ही चाहिए, और फिर दो तांबे के लोटे आपको लगेंगे या एक अन्य लोटा भी आप ले सकते हैं जो पूजन में लगेगा, वो आपको तांबे का लोटा ही लगेगा। तो ये है तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरा जाएगा, उसके बाद जल भरा जाएगा। इसके पश्चात ही जो आप देख रहे हो सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी सामग्री दूर्वा मिला के हम डाल देंगे कलश के अंदर। आम के पत्ते यहाँ पर मैंने रख लिए हैं, अगर आम के पत्ते नहीं हो तो अशोक के ले लीजिएगा, नहीं तो आप फिर पान के पत्ते भी इसके अंदर लगा सकते हैं कलश में। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी अक्षत रख लिए हैं, क्योंकि दीपक की जब हम स्थापना करते हैं अखंड दीप की तब भी हमें अक्षत चाहिए और हमें कलश के नीचे भी अक्षत रखने होते हैं। हमें नारियल रखना होता है, नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ रहता है, तो इस तरह से आपको नारियल रखना होता है कलश के ऊपर। तो ये सारी सामग्री हमें घर में पूजा के लिए चाहिए। इसके बाद में ये जो यहाँ पे आप दिख रहे हो ना हवन सामग्री का डब्बा रखा है, तो ये हवन सामग्री हमने ले ली है। बड़ा पात्र नहीं था तो मैंने छोटा वाला पात्र ही अपना ले लिया। इसमें कंडा जलाएंगे और सबसे पहले 5 या 7 आहुति गणेश जी की देने के बाद, जो शिव जी के किसी भी मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। तो एक छोटा सा यदि चाहें तो आप हवन कर सकते हैं, नहीं तो आरती करके भगवान से क्षमा याचना मांग के पूजा को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। हवन आपके ऊपर है, क्योंकि एक छोटा सा हवन पूजा को संपूर्ण कर देता है, तो इसलिए मैं हवन हमेशा छोटा सा ही करती हूँ, परंतु करती जरूर हूँ। और कैसे करती हूँ यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यही थी संपूर्ण सामग्री जो जो आपको लगती है, और इसीलिए मैंने वीडियो में बता दिया ताकि आपको कुछ भी परेशानी ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और महादेव के परम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो शिवरात्रि पूजन का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवानंद, जय माता रानी दोस्तों।